नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। सड़क किनारे बाइक सवार पर अचानक गिरा पेड़, एक की मौत दो घायल। मुरादाबाद जनपद की थाना डिलारी क्षेत्र की चौकी जलालपुर के पास पेड़ गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर सूखा पेड़ बाइक पर गिरने से एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना छजलैट क्षेत्र के गांव बहिड़ी फरीदपुर निवासी 16 वर्षीय हर्ष और 40 वर्षीय वीरपाल, जनपद बिजनौर के सेवहारा निवासी वंश तोमर 19 वर्षीय तीनों बाइक पर बैठकर थाना डिलारी क्षेत्र के गांव जटपुरा को जा रहे थे, तभी काशीपुर मुरादाबाद पुलिस चौकी जलालपुर स्थित हाईवे पर भारी भरकम सूखा आम का पेड़ बाइक पर गिर गया, जिससे हर्ष की मौके पर मौत हो गई। दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से सड़क पर एकत्रित हो गई अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर रोते बिलखते परिजनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बिना कानूनी कार्यवाही के शव को घर ले गए, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी डिलारी पवन कुमार ने बताया कि कोई तहरीर नहीं आई है, पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। बहन जी, कौन सी जगह है ये? अच्छा, क्या हादसा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बाइक आई थी, ऐसी अचानक गुजर गई ऊपर से। अच्छा, बाइक सवार तुम देखो बाइक सवार पे क्या लोग बैठे थे? इस पे तीन लोग बैठे थे। तो फिर मतलब हुआ क्या? फिर कुछ नहीं, बस एकदम से लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस आई। अच्छा, मतलब गुद्दा पेड़ का गिरा इनके ऊपर? किस चीज़ का गुद्दा? किस चीज़ का पेड़ था? अच्छा, तो गुद्दे के नीचे आ गए, ये दबे वो? तो क्या स्थिति थी इनकी फिर? एकदम घुटे जब आ जाए जैसे गिरते ही बस गिर गए, बेहोशी हो गए। क्या हालात है इन लोगों के? पता है था, मैं पुलिस लेके नहीं। नहीं, चोट कितनी है इसकी? तो एक के तो बहुत काफी चोट है, और एक एक सिर में चोट है और तीसरे के कम है। अच्छा, दो के तो बहुत चोट है। अच्छा, तो जैसा तुमने आवाज आई होगी तो यहाँ लोग इकट्ठे दौड़े होंगे, तो क्या मामला है? तो जैसा जानकारी मिली कि एक की हालत गंभीर है, तो एम्बुलेंस को फोन करा। अच्छा, एम्बुलेंस लेके कहाँ के थे ये लोग? ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए जेड टीवी न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।